हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी? हाय गाइज, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बिग स्माइल और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम बीएड सेकंड ईयर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवधि यूनिवर्सिटी से संबद्ध क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, जिसमें से मैं आज फिर दो क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके बीच, जो हमारे थर्ड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा प्रसंग एवं मुद्दे हैं। समकालीन भारत शिक्षा प्रसंग एवं मुद्दे यानी थर्ड पेपर से लिया गया है, जिसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि उपनयन संस्कार क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित हैं और क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है। हम इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम जो कि बात करते हैं उपनयन संस्कार की, इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि यदि आपको हमारे ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों तैयार करने में वीडियोज। तो आते हैं टॉपिक पर दोस्तों। तो उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार से अर्थात क्या अर्थ निकलता है? उपनयन का मतलब क्या? एक तरह से जो आँखों देखा हाल है, आँख से संबंधित है उपनयन। एक तरीके से समझ लो कि मिलने बिछड़ने की बात होगी यहाँ पर। कोई जब किसी से बिछड़ता है, कोई जब किसी से मिलता है, तो यहाँ पर नैनों से नैने बात होती है। तो उपनयन एक संस्कार होता है जो कि आज की पहले वैदिक सभ्यताएं जब चलती थी, या आप लोग रामायण वगैरह में देखे होंगे कि वहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाई के साथ गुरु के पास जाते थे, तो क्या होता था कि वहाँ पे जंगल में कहीं एक वट यानी बरगद के वृक्ष के नीचे उनके गुरु बैठा करते थे, और उनका जो वेशभूषा था वो बहुत ही साधारण था। गेरुआ वस्त्र धारण करके, टकला चुरकी रखा के, नंगे पाँव थे, कभी खड़ाऊ पहनते थे। तो वहाँ पे वो लोग जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, और उसमें एक नियम ये था कि एक निश्चित आयु के बाद बाल्यावस्था में ही जो बच्चे थे वो गुरुकुल में चले जाते थे। तो वहीं से ही उपनयन संस्कार का प्रथा चला आ रहा है, लेकिन आजकल ये उपनयन संस्कार नहीं रहा। फिर हम चूँकि बीएड एक एजुकेशन सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सारी चीज़ों के पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे उस समय जब श्री रामचंद्र जी चारों भाई के साथ जाते हैं तो अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ने के बाद का जो जिस दिन बिछड़ते हैं उसके दिन के पहले कुछ यज्ञ वगैरह होता है, पूजा होता है, और सुबह होती है तो माता और बेटे दोनों एक साथ खाते हैं और वो लोग जंगल की तोर गुरुकुल की ओर निकल जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से बेस्ड है ये स्टोरी, कहानी पर बेस्ड है ये हमारा टॉपिक। तो आज चलते हैं उपनयन और संस्कार के बारे में पढ़ते हैं। उपनयन संस्कार आखिर होता क्या है, आज है या नहीं है, सारी चीज़ें पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार की एक निश्चित आयु होती है, आज नहीं होती है लेकिन इसके पहले होती थी। जो ब्राह्मण बालक होते थे, उन बालकों के लिए उपनयन संस्कार की आयु 8 वर्ष की होती थी। कितने वर्ष की होती थी? 8 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण बालकों के लिए उपनयन संस्कार की आयु 8 वर्ष होती थी। मतलब जो ब्राह्मण बालक थे वो जो है 8 वर्ष होने के पश्चात ही वो उपनयन संस्कार में चले जाते थे, यानी माता पिता को छोड़ करके वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने चले जाते। लेकिन तब भी इतना भेदभाव क्यों? आखिर बालक तो बालक ही होते थे, आखिर ब्राह्मण का 8 ही वर्ष क्यों? और आगे अभी हम क्षत्रिय की अगर बात कर लेते हैं तो क्षत्रिय की जो 11 वर्ष थी, क्षत्रिय का जो उपनयन संस्कार की आयु थी वो 11 वर्ष थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैश्य की, पहले जो जातियाँ थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटी जाती थी, और शूद्र को तो अधिकार ही नहीं था शिक्षा ग्रहण करने का।
तो यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जो तीनों तीनों का उपनयन संस्कार है वो कुछ इस प्रकार से था, जिसमें ब्राह्मण का 8 वर्ष, क्षत्रिय का 11 वर्ष और वैश्य का 12 वर्ष का होता था। 12 वर्ष में ये लोग क्या करते थे, उपनयन संस्कार करते थे। मैंने बता दिया दोस्तों, उपनयन संस्कार का मतलब होता है अपने माता पिता को छोड़ करके शिक्षा ग्रहण करने जाना। यहाँ पर होता वो उसका भी होने का एक विधान हुआ करता था। 12 वर्ष के होने के बाद जब इनका उपनयन संस्कार प्रारंभ होता था, उस उपनयन संस्कार का विधान प्रारंभ होता था, तो करना क्या पड़ता था उपनयन संस्कार में, आखिर क्या चीज़ें करनी पड़ती थी, तो अगर इस पे हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात करें, शुभ दिन एक शुभ दिन माना जाता था उस समय। शुभ दिन जो कि शुक्ल पक्ष का होता था, किस पक्ष का होता था, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में कब, जब सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान किधर की हो, उत्तरायण में हो। कहाँ पे हो, उत्तरायण में। उत्तरायण में का अर्थ क्या होता है, सूर्य जब मकर रेखा में उत्तर की ओर आ जाता है, मकर रेखा पर उत्तर की दिशा की ओर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़े ही होंगे भूगोल, तो उसमें कई रेखाएं होती, मकर रेखा, कर्क रेखा, है ना। तो जब सूर्य जो होता है मकर रेखा पर उत्तर दिशा की ओर हो जाता था, तो उस स्थिति को हम लोग उत्तरायण कहते थे। तो जब उत्तरायण होता था तब इसको शुभ माना जाता था। क्या शुभ माना जाता था, उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार जो है उत्तरायण में होता था, और उत्तरायण में होने के बाद इसको करने से पहले क्या क्या चीज़ें होती थी, तो इसमें होती ये थी कि एक दिन पहले ही, जिस दिन हम जाते हैं उसके पहले ही हम भगवान गणेश जी का क्या करते थे, गणेश जी की आराधना यानी पूजा अर्चना करते थे, गणेश जी की पूजा करते थे। इसके बाद जो है माता लक्ष्मी का पूजा करते थे, धरती माता का पूजा करते थे, यानी मेधा, मेधा माता यानी कि माँ सरस्वती का एक रूप होता है मेधा, इनकी पूजा करते थे। और इसके बाद जो है श्रद्धा, श्रद्धा जी की पूजा करते थे। श्रद्धा माता का मतलब क्या हो गया, माँ चामुंडा देवी अर्थात माँ काली की पूजा करते थे। एवं सरस्वती माता का पूजा करके हम लोग क्या करते थे, जो विद्यार्थी लोग थे वो रात्रि, रात्रि को मौन रहते थे, इतना पूजा पाठ करके वो रात्रि में क्या हो जाते थे, मौन हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, और रात्रि में जब वो मौन होने के पश्चात होता क्या था, मौन होने के पश्चात क्या होता था, जब वो मौन होते थे तो जाहिर सी बात है सुबह होती थी। जब सुबह हो गई तो सुबह माता और पुत्र यानी उन पुत्रों की माएँ और उनके पुत्र जो गुरुकुल की ओर प्रस्थान करेंगे, वो लोग क्या करते थे, अंतिम बार एक साथ भोजन करते थे। अंतिम बार मतलब कि अब माता जी को छोड़ के जा रहे हैं तो इनके साथ हम क्या कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, भोजन करते थे। तो इसी संस्कार को क्या कहा जाता था, माता और पुत्र की विदाई का भोज माना जाता था। भोज यानी जो वो लोग खाना खाते थे उसी को भोज कहा जा रहा है। तो इस चीज़ को कहा गया माता पुत्र का भोज, विदाई का, माता पुत्र के विदाई का भोज, और इसी भोज का नाम रखा गया था उपनयन संस्कार। तो होप यू गाइज, आप सभी को उपनयन संस्कार समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों इसको अभी हम दोहराते हैं, दोहराने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे हैं, शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय आखिर कहाँ पे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है पहला चीज, तो वो नई दिल्ली में है। जो राष्ट्रीय अध्यापक का शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर, कितने शहर, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर, 4 शहर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है, और उसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है 4 सिटीज हैं, कौन कौन से, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर। भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर। एक बार फिर दोहराते हैं दोस्तों, उपनयन संस्कार के बारे में चलते हैं। उपनयन संस्कार होता क्या था, जी हाँ दोस्तों, उपनयन संस्कार में होता ये था कि पहले बात करते हैं, उपनयन संस्कार में अलग अलग जातियों की एक अलग अलग आयु होती थी, जिसमें ब्राह्मण की जो आयु थी वो 8 वर्ष थी, क्षत्रिय की 11 वर्ष थी और वैश्य की 12 वर्ष थी। जब वैश्य और
क्षत्रिय ब्राह्मण 8, 11, 12 वर्ष के हो जाते थे तब ये लोग अपना वो उपनयन संस्कार करते थे। अब उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? अपने माता पिता को छोड़ करके गुरुकुल की शिक्षा की ओर प्रस्थान करना और अपने माता पिता के साथ अंतिम में भोजन करना, यही उपनयन संस्कार कहलाता था। लेकिन इसमें को जो प्रवस्थाएँ थी, किस प्रवस्था पर आखिर हम उपनयन संस्कार करते थे या किया जाता था, उस पर उसके पहले क्या किया जाता था, तो दोस्तों उस पर चर्चा अगर करें तो इसके पहले करते क्या थे। जब इसका ये विधान था कि इसका जो शुभ दिन था वो शुक्ल पक्ष था, शुक्ल पक्ष में जब सूर्य नारायण भगवान यानी सूर्य भगवान कहाँ की ओर आ जाते थे, दिन सूर्य नारायण भगवान आ जाते थे मकर रेखा, मकर रेखा पर उत्तर दिशा की ओर आ जाते थे, तो इस दिन को सबसे अच्छा माना जाता था, शुभ माना जाता था। और सबसे पहले क्या की जाती है, गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती थी, इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा की जाती थी, धरती माता यानी मिट्टी की पूजा की जाती थी, मेधा यानी माँ सरस्वती के दूसरे रूप की पूजा की जाती थी, और श्रद्धा की पूजा की जाती थी यानी माँ चामुंडा देवी माँ काली की पूजा की जाती थी। और माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद क्या होता था, रात्रि में विद्यार्थी मौन रहकर पूरी रात्रि व्यतीत कर लेता था, विद्यार्थी मौन रहकर पूरी रात्रि व्यतीत कर लेता था। फिर जब वो सुबह उठता था तो क्या करता था, अपने माता उस माता और पुत्र एक साथ भोजन करते थे, और अंतिम बार ये भोजन करने के बाद, एक साथ भोजन करने के बाद इस संस्कार का ही नाम दिया गया माता एवं पुत्र की विदाई का भोज, और इसी को उपनयन संस्कार का नाम दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से उपनयन संस्कार का टॉपिक खत्म होता है। होप यू गाइज आप सबको समझ में आया होगा। मैं पृथ्वीराज चौहान, आप सभी सर्च कर सकते हैं बीएड के लिए, सेकंड ईयर के लिए पृथ्वीराज चौहान, बीएड सेकंड ईयर बाय पृथ्वीराज चौहान सर्च करते हैं, आपको ढेर सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो दोस्तों होप यू गाइज आप सभी को समझ में आएगा। शेयर टू एंड लाइक माई वीडियोज और ढेर सारा शेयर करें ताकि सेकंड ईयर के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियो जारी रखूंगा। जय हिंद दोस्तों।